ऑर्थोग्राफिक व्यू में आपने बरहमेश यह जरूर एक नियम पढ़ा होगा कि यदि अगर हमारा फ्रंट राइट हैंड साइड इंडिकेट कर रहा है तो हम लेफ्ट हैंड साइड उसको बनाएंगे, और अगर फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड इंडिकेट कर रहा है तो हम उसे राइट हैंड साइड बनाएंगे। इस बात को हम समझते हैं कि जैसे कि हमारा फ्रंट ये फ्रंट साइड और टॉप ये क्वाड्रेंट में बनाया हुआ है, और हम ये ने हमने यह एक डाइस रखा है तो, और हमने यहाँ पर एक फ्रेम भी तैयार किया है, तो इस फ्रेम के जरिए हम देखेंगे। फ्रेम को हमने कुछ तरीके से मोड़ा और फिर इसके बाद ये इसकी तरह ये क्वाड्रेंट का एक हिस्से की तरह देखने लगेगा, और हमारा फ्रंट जिस साइड है उस साइड ही हम फ्रंट के लिए एफ लिख देते हैं, और जिस साइड हमारा साइड है उस साइड हम साइड लिख देंगे, और जिस साइड टॉप है उसी तरफ हम टॉप लिख देंगे। और फ्रेम को हम खोलेंगे तो हमारा फ्रंट, आप जैसा कि समझ ही पा रहे होंगे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से ना देखकर इसे राइट हैंड साइड से देखा था, लेकिन फ्रंट हमारा ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड पर बना। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि फ्रंट हमारा किस तरीके का बनेगा, कि फ्रंट यदि अगर हम हमें लेफ्ट हैंड साइड से इंडिकेट कर रहा है तो फिर वो हम राइट हैंड साइड देखेंगे, और अगर राइट हैंड साइड इंडिकेट करता है तो हम उसे लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। अब जैसे है कि हमें यहाँ पर ये दो लिखा दिख रहा है, तो अब हमें फिर जैसे हम फ्रंट साइड टॉप क्लियर कर लेते हैं ग्राफ में, तो फिर इस फ्रेम में ये क्लियर करने के बाद ये दो दिख रहा है तो हमने दो लिख दिया, छह दिख रहा है साइड में तो हमने यहाँ पर छह लिख दिया, और ऊपर साइड में एक लिखा दिख रहा है तो ऊपर साइड में हमने एक लिख दिया। फिर हमें ये नहीं देखना है कि आखिरकार के कहाँ पर क्या आ रहा है, कोई भी गलत है। एक बार बस सिर्फ हमें फ्रंट साइड टॉप बस सिर्फ क्लियर करना है, और उसमें भी हमें बस सिर्फ फ्रंट पर ही क्लियर करना है, क्योंकि फ्रंट के जस्ट बगल में साइड होता है, फ्रंट के ही नीचे या ऊपर टॉप होता है, थर्ड एंगल में ऊपर टॉप होता है और फर्स्ट एंगल में नीचे टॉप होता है।